पल्लवीज किचन के सभी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। दोस्तों, आपने इमली की मीठी चटनी तो खाई ही होगी, और जैसा कि हम जानते हैं कि इमली की चटनी बनाने में कुछ प्री प्लानिंग और थोड़ा सा प्री प्रिपरेशन लगता है, पर ये अमचूर की मीठी चटनी आप इंस्टेंट बना सकते हैं और टेस्ट में भी ये बिल्कुल इमली की चटनी की जैसे ही लगती है। तो चलिए फटाफट रेसिपी की शुरुआत करते हैं। अमचूर की मीठी चटनी बनाने के लिए हमें चाहिए 1/3 कटोरी अमचूर पाउडर, 1 कटोरी गुड़, इसके बाद 1/3 कटोरी छुआरे। मसालों में लेंगे 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, 1/3 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर और नमक स्वादानुसार। अब सबसे पहले हम इन छुआरों को मिक्सर में डालकर इनका एक फाइन पाउडर बना लेंगे। तो पाउडर हमारा तैयार है। चटनी बनाने के लिए सबसे पहले हम पतीले में ये अमचूर पाउडर डाल देंगे। यहाँ हमने अमचूर पाउडर 1/3 कटोरी लिया है, तो पानी अब हम 1 पूरी कटोरी इसमें डालेंगे। इसके बाद इसमें हम छुआरों का पाउडर भी डाल देंगे और साथ ही में हम इसमें गुड़ भी डाल देंगे। एक बार सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद इसे हम गैस पर चढ़ा देंगे। पतीला हमने गैस पर चढ़ा दिया है और गैस की फ्लेम हम एकदम लो रखेंगे। बीच बीच में हम इसे चलाते रहेंगे। आप देख सकते हैं कि गुड़ पूरी तरीके से पिघल चुका है। इसे इसी तरह चलाते हुए हम एक उबाल आने देंगे। चटनी को उबाल आ चुका है और अब हम इसमें मसाले डालेंगे। तो सबसे पहले लाल मिर्च पाउडर, इसके बाद धनिया पाउडर डालेंगे, इसके बाद गरम मसाला पाउडर, नमक भी डाल देंगे। एक बार सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। मसाले डालने के बाद फिर से एक उबाल आने तक हम इसे पकाएंगे। उबाल आ गया है और चटनी हमारी बनकर एकदम तैयार है, तो गैस बंद कर देते हैं। इस चटनी को ठंडी हो जाने के बाद आप किसी भी एयर टाइट कंटेनर में भरकर 1 से 1.5 महीने फ्रिज में रख के कभी भी ज़रूरत पड़ने पर इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। मैं मिलूंगी नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।